Gabriel Comariaga. Straight away, what a first ball! Ho-ho, what a first ball! You try. गुड प्लेयर है सूर्य कुमार, वो जिस तरह खेलता है मुझे बहुत पसंद है, मगर जहां तक चीज़ें हैं उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाए क्योंकि मिडल ऑर्डर टॉप ऑर्डर मुख्तलिफ। एक बड़ा दिल घुटने वाला प्लेयर है जिसे सूर्य कुमार यादव कहते हैं, वो बहुत ही अजीब सा प्लेयर है, वो बाकी प्लेयरों को ना छोटा कर देता है जब वो खेलता है, तो वो बड़ा खतरनाक प्लेयर है। ऐसे देखा जाए ना तो सूर्य कुमार यादव जो है ना वो रिजवान से बेटर है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास हर किस्म का शॉट है और हमारे रिजवान भाई हैं जो उनके पास आपको पता है। इधर ऑफकोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया। ही इज टोटली डिफरेंट देन एनीबॉडी एल्स। आई मीन द अमाउंट ऑफ रन्स ही गॉट दिस ईयर, आई थिंक ही इज द ओनली बैटर विद 1000 रन्स इन टी20 इन 20। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंटेंट सूर्य कुमार यादव का है दैट इज सेम, कोई भी सिचुएशन होगी आप उसको देखेंगे, दैट्स व्हाई ही इज नंबर 2 एंड ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स ऑल ओवर। बट रिगार्डलेस अगर हम ये देखें वो सूर्य कुमार यादव पीछे कंसिस्टेंटली स्कोर करता आ रहा है, रिजवान स्कोर नहीं कर रहा, दैट्स द रीजन। हालांकि अगर आप देखें ना तो मैं एक ब्रेक जाने, मैं फिर इस पे मजीद सवाल आपसे करूंगा, लेकिन चलिए मैं आप। जय हिंद दोस्तों, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 112 रन की पारी खेली है उसके बाद से पूरी दुनिया सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी टेक्निक को देख के हैरान है। वैसे में आज से पहले जो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का सूर्य कुमार यादव से कंपेरिजन करते थे, आज वो मोहम्मद रिजवान को ही सलाह देने लगे कि वो सूर्य कुमार यादव से कुछ तो सीख लें। अच्छा पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्य कुमार जिन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है, लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी रिजवान को अपने गेम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो कहते हैं ना जी मेरे हो जाते हो आप, बिल्कुल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगा करियर उसका अगर यही वाला सिलसिला। सबसे अब आगे की इस वीडियो में देखिए कैसे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा कि यदि सूर्य कुमार यादव इस तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो पाकिस्तान के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का करियर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के पास इस टाइप का कोई भी स्किल नहीं है जिस तरह से सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी में एक गजब तरह का टेक्निक है। चाहूंगे आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, अदील दिस इज व्हाट वी से डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक, उन्होंने डोमेस्टिक में 233 टी20 खेले हुए हैं, ही इज एक्सपीरियंस, उन्होंने डोमेस्टिक में खुद को पॉलिश किया हुआ है प्रॉपर्ली, बॉलर कहीं भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं, उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डालने के जगह से जो है वो हिट आउट करता है। अच्छा पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्य कुमार जिन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, एक बार रिजवान से हमारे हुज़ैफ़ा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, उन्होंने एक बार ये सवाल पूछा था कि रिजवान आप बहुत लेग साइड के प्लेयर हैं, आपको तो बहुत जल्दी टीमें आपके होमवर्क, तो रिजवान ने कहा था यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ और मुझे तो काश हमारे पास वो क्लिप होता, मैं आपको वो सुनवा भी देता, लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी रिजवान को अपने गेम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो कहते हैं ना जी मेरे हो जाते हो आप, बिल्कुल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगा करियर उसका अगर यही वाला सिलसिला। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी सवेरा ने कही है कि 200 225 मैचेस खेल के उसके बाद वो इंडिया टीम में आया और खेल रहा है, राइट। देखिए एक तो ये है कि उस लड़के को अपनी गेम का पता है, राइट, उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज़्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज़ की उसने प्रैक्टिस की है, उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है तो मुझे शॉट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी के चर्चे पूरी दुनिया में यदि कहीं हो रहा है तो वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो रहा है, और ये चर्चे पाकिस्तान में हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी साल यानी 2023 में 50-50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें इंडिया का सामना पाकिस्तान के साथ हो सकता है, ऐसे में सारी पाकिस्तानी मीडिया एवं पाकिस्तानी क्रिकेटर को इसी बात का डर है कि यदि सूर्य कुमार यादव का यही परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ रहा गया तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में क्या होगा, इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक हो या पाकिस्तान का क्रिकेटर या फिर पाकिस्तानी मीडिया सभी पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम एवं मोहम्मद रिजवान को सजेशन देते नजर आ रहे हैं कि वो सूर्य कुमार यादव की तरह अपने स्किल को डेवलप करें, नहीं तो इसी साल 50-50 ओवर का एशिया कप एवं 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल गया तो पाकिस्तानी बॉलर का खैर नहीं होगा। वैसे भी अब दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर के साथ साथ पाकिस्तान के भी बड़े बड़े क्रिकेटर ने मान लिया है कि इंडिया के पास सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े हथियार आ चुके हैं जो कि वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यदि